मध्य प्रदेश के छोटे कस्बों के बच्चे दिखा रहे हैं बड़ा कमाल। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है विजय सिंह राठौर और एबीपी लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं रायसेन नगर में, जहाँ पर रायसेन की एक बच्ची ने नाम रोशन किया है, न सिर्फ ज़िले का बल्कि अपने पिता का और एक किसान का, क्योंकि किसान की बेटी दिव्या आज सिविल जज बन चुकी है। आइए हम सीधा उसी से बात करते हैं कि कैसी उसकी तैयारी रही और कितना कठिन ये सफ़र रहा उसका सिविल जज बनने तक। सिविल, सबसे पहले ये बताइए दिव्या कि कैसा सफ़र, शुरुआत कैसे करी आपने? शुरुआत कॉलेज में, फोर्थ ईयर में, मतलब मैं नॉर्मल कॉलेज में थी, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल स्टडीज़ एंड रिसर्च। वहाँ पर मतलब कॉर्पोरेट्स में जाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, तो मुझे लगा कि मुझे सिविल जज में जाना चाहिए, तो मैंने क्लासेस ज्वाइन कर ली थी फोर्थ फिफ्थ ईयर में और तभी से अपनी प्रिपरेशन चालू कर दी थी। फिर ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, तो उसमें मेरा प्री हो गया था, मेंस नहीं हो पाया था। सेकेंड में भी ऐसे ही हुआ। फिर ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था, जिसमें कोविड के टाइम पे मैंने कंटिन्यू अपनी पढ़ाई चालू रखी और उसी की वजह से मैं आज अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाई। अच्छा, आपके पापा फार्मर हैं, खेती का मुख्य काम करते हैं, तो कभी लगा नहीं कि कभी किसान की बच्ची कभी जज बन सकती है, इस प्रकार से कितना चैलेंजिंग लग रहा था? मेरे पापा को शुरू से ही था कि हम लोग ऐसे ही फील्ड में जाएँ, गवर्नमेंट उसमें, तो वो शुरू से ही मोटिवेट करते थे कि तुम लोग कुछ बड़ा करो, बड़ा सोचो। तो उन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया कि तुम प्रिपरेशन करो, तो मुझे मतलब उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि जिसकी वजह से मैं आसानी से ये कर पाई। घर से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला, तो मेरे पापा के कारण ही मैं इतना अपना क्लियर कर पाई हूँ एग्ज़ाम। अच्छा, आपने जगह जगह रह के पढ़ाई की है, छोटे से गांव में आपने शुरुआत की, फिर रायसेन भी रहीं, भोपाल भी रहीं, तो कैसा सफ़र रहा? हाईकोर्ट में आप जॉब भी कर रही हैं अभी? मैं नर्सरी से सेवन्थ एट्थ स्टैंडर्ड तक रायसेन में रही, यहाँ से मेरा बेस बना है, मतलब यहाँ के स्कूल सेंट फ्रांसिस स्कूल से मैंने अपनी स्टार्टिंग करी है। तो यहाँ पे मेरे टीचर्स, सिस्टर लोगों ने काफ़ी अच्छे से सब कुछ पढ़ाया था, तो मैं जब भोपाल पहुँची तो मुझे काफ़ी कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं हुई कि मैं छोटे रायसेन से जाके भोपाल में पढ़ी हूँ, क्योंकि मेरा बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था। यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्कूल है, अच्छे से सब कुछ पढ़ाया है। फिर मैं भोपाल में, मैंने पीपल्स पब्लिक स्कूल से पढ़ाई करी अपनी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक, फिर कॉलेज गई, तो क्योंकि मेरा बेस स्ट्रांग था तो मुझे आगे चल के ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई। फिर मैंने हाईकोर्ट का एग्ज़ाम दिया, वो क्लियर हुआ, वहाँ पे सिलेक्ट हुई। दो साल मैंने वहाँ पे जॉब करी हाईकोर्ट जस्टिस के अंदर, उनकी रिसर्चर थी, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और उससे भी मुझे काफ़ी हेल्प हुई एग्ज़ाम क्लियर करने में। तो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ी हूँ, इसलिए आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो अब क्या मैसेज देना चाहोगी आप जैसे यूथ को, खासकर जो छोटे कस्बों के बच्चे हैं, खासकर मैं जो बच्चियाँ हैं जो सोच नहीं पाती कि हम भी छोटे शहरों में रह कर बड़ा कुछ कमाल कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हम कर नहीं सकते या कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है सोच लिया तो बिल्कुल कर लोगे, क्योंकि मैंने भी सोचा ही था कि हाँ मुझे करना है, और उसके बाद मुझे पता था कि ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें आपको अपने अंदर पेशेंस और सब्र के साथ साथ हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना है। बहुत सारे लोग इवन आपके फ्रेंड्स भी बहुत बार आपको डीमोटिवेट करेंगे, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और मैं बड़ी होती जा रही हूँ, एज बढ़ती जा रही है, तो लोग मतलब थे कि अब हो गया, तीन बार हो गया, चार बार हो गया, कॉलेज से पास आउट हुए, पाँच साल हो चुके हैं, क्योंकि मैं 2018 में ग्रेजुएट हो गई थी, तो बस अब कब तक दोगे, कुछ और देख लो। तो ऐसा सबका नहीं सुनना है, सिर्फ अपने जो अच्छे लोग हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे उनको अपने साथ रखो, और जो ऐसा बोलते हैं उनसे कट ऑफ नहीं करो, तो उनको इग्नोर करो उनकी बातें, और आगे अपना जो खुद करना चाहते हो उसके तरफ आगे बढ़ते जाओ। फालतू नेगेटिव लोगों के बारे में नहीं सोचना है और उनकी सुनना भी नहीं है। पेशेंस के साथ बस हार्डवर्क करते जाओ, सक्सेस ज़रूर मिल जाएगी। तो बिल्कुल सक्सेस के लिए, जैसा कि दिव्या बता रही है कि ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े शहर के हों या फिर आपके कहीं फैमिली बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि दिव्या ने ये करके दिखाया है। रायसेन की ये बच्ची है जिसने, जो तीन बहनों में सबसे बड़ी बहन है और इनके पिता यहाँ पर किसान हैं, और साथ ही तौर पर इनका जो पूरा बैकग्राउंड है वो कृषि क्षेत्र से जुड़ा रहा, लेकिन उसके बाद भी इसने अपनी हार्ड मेहनत के दम पर आज ये मुकाम हासिल किया है, जो एक लड़कियों के लिए मिसाल से कम नहीं है। विजय सिंह राठौर, ABP News, रायसेन।